वचन न देश। छेले आता तो समय ही गया हता का इस्राएली लोका वचन न देश कनान मा प्रवेश करो। ते देश मा यरीखो नावना एक शहर हता। तेना रक्षण ने साटी चारी चुंबुत मजबूत दीवाल होते। यहोशुआनी ते शहर मा दोन जासूस साहला दवाड़ा। ते शहर मा राहब नावनी एक वेश्या रह हती। तिनी ते जासूस साहला दपाड़ा। अन मागुन तिनी तेहला शहर मासून बचीने निंगुला साटी सहाय करनी। तिनी ईसा ये साटी करा कहा का ती देव मा विश्वास कर हती। जे समय मा इस्राएली लोका यरीखो शहर ना नाश करतील तहा ते ही राहब अन तेना कुटुंब ना बचाव करूना वचन दियेल हता। इस्राएली लोका सहला वचन ने देश मा प्रवेश करूने साटी यर्दन नय उतरूला पड़ो हता। देवनी यहोशुआला संगा याजक सहला पुढ़ जाओ दे। जदो याजक सी यर्दन नय मा तेना पाय टाकत तो पानी वही जा हता ती थांबी गे। जे कनका इस्राएल लोका नय ने दूसरे सव कोरडी जमीन वर जाई सक। ते लोकासी यर्दन नय उतरी घेत तो देवनी यहोशुआला संगा का यरीखो वर हुमला करूला साठी तैयार रहा। जो के ती खूब मजबूत शहर होता। देवनी ते लोका सहला संगा का तेने याजक सहला अन सैनिक सहला सौ दिस पावत ते शहर ने चारी चुंबुत फिरूला। ता याजक सी अन सैनिक सी ईसाज करा। ता सातवें दिशी इसराइली सी ते शहर ने चारी चुंबुत सात वक़्त फिरना। तेहने शहर ने चारी चुंबुत सातवी वक़्त फिरनत मागून याजक सी तेहना रण सिंगड़ा वाजवना अन सैनिक सी मोटले नारडना। तहा यरीखोनी चारी चंबूत ने दीवाल तूटी पड़नी। जिसा देवनी आज्ञा दियल हती इसराइली सी शहर नी दरेक वस्तु ना नाश करी दीना। ते फक्त राहाब अन तेने कुटुंब वाला सहला सोड़ी दीना। जे इसराइली सी भाग बनी गईला। जद व कनान मा रहनारा दूसरा लोकासी आयका का इसराइली सी यरीखोला नाश करी दीना हाथ तो ते बिही गेत का इसराइली लोका त्या वर भी हुमला करती। देवनी इसराइली सहला आज्ञा दियल हती का कनान मा रहनारी कनीपन जाति हारी शांति ना करार नहीं करूला। पन गिबियोन नावनी एक कनानी जाति नी यहोशुआला खोटा बोलना का ते कनान पासून दूर एक जागा वरला रहनारा आहा। ते यहोशुआ हारी शांति करार करूला साठी विनंती करना। यहोशुआ अन दूसरी इस्राएली आगेवानशी देवला सोदा नहीं का ते ही काय करूला पड़ो। तेने जाग ते ही गिबियोन से हारी शांति ना करार करी लीना। तीन दिस मागून इस्राएली सहला माहित पड़ना का गिबियोनी लोग कनान माज रह हता। ते रगवर ये गेत कहा का गिबियोनी सी तेहला धोखा दियल हता। पन ते ही तेहने हारी करेल ती शांति करार ला चालू रखना कहा का ती देवने पूड़ करेल हता। तहा थोड़ा समय मागून कनान मा रहनारी एक जाति अमोरी ने राजा सी आयका का गिबियोनी सी इसराइली से हारी शांति करार करे लीना हा। ते साटी ते ही पदर पदर नी सेना सहला एक एक करी एक मोटी सेना बनवी अन गिबियोन वर हुमला करी दीना। गिबियोनी से तेहनी सहाय करूला साटी यहोशुआ पासी एक संदेश दवाड़ा। तहा यहोशुआ नी इसराइली से सेना ला गोला करना अन गिबियोन पासी जाई पुरूला साटी ते पूरी रात चलना। सकाळ इसने पहाटना ते ही अमोरी ने सेनाला नवाई मा टाकी दीना अन तेहावर हुमला करी दीना। ते दिशी देव इस्राएली सी साटी लड़ना। तेनी अमोरी सहला घाबरवी दीना अन तेनी मोठ मोठला गारा पाड़ीनी खूब अमोरी सहला मारी टाका। देवनी दिसला भी आकाश मा एक जागावर थांबी दीना जेथी इस्राएली सहला पूरता समय मिली जा का अमोरी सहला पूरे रीते हरवी दे। ते दिशी देवनी इस्राएली सी साटी एक मोठा विजय मेळवा। जदव देवनी ते सेना सहला हरवी दीना तेने मागून खूब कनानी जातीना लोका इस्राएली वर हुमला करूला साठी गोळा होईना। यहोशुआ अन इस्राएली सी हुमला करीनी तेहना सर्वनाश करी दीना। ये लड़ाई से मागून देवनी इस्राएल ने दरेक कुळा वचन ने ते देश मा तेहना भाग दीदा। तहा देवनी इस्राएल सहला तेहनी अखे शिवाड़ा सहवर शांति दीना। जदव यहोशुआ डवर हुई गेत तो इस्राएल ने अके लोका सहला एक हारी बोलवना। तहा यहोशुआ ने ते लोका सहला आठव करवा का तेही ते करार ना पालन करूला प्रतिज्ञा करी हती।
જીદેવની તેને હારી સિનાઈ ડુંગર વર કરેલ હતા તે લોકાશી દેવને હારી વિશ્વાસ યોગ્ય રહુલા અને તેને નેમસા પાલન કરુના વાયદા કરા.